हेलो दोस्तों कैसे हो आप सब उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे दोस्तों बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आ रहा था कि बिहार में जो है टॉप के जो लॉ कॉलेज है उनके बारे में बताइएगी कौन कौन से लॉ कॉलेज बिहार के टॉप टेन में आते हैं तो इस वीडियो में हम जो है वो बिहार के टॉप टेन लॉ कॉलेज के बारे में बात करेंगे और वैसे वीडियो आप पूरे लास्ट तक देखना क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है अब बीच बीच में बता देता हूँ लेकिन बाद में आप लोग को कमेंट करके पूछते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे आपको सारी कुछ समझ में आ जाए कि कौन कौन से कॉलेज अच्छे हैं और कहाँ पे एडमिशन स्टार्ट हो गया है और कहाँ पे एडमिशन क्लोज हो गया है तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम आते हैं दसवें नंबर पे से स्टार्ट करते हैं दस नौ आट, पांच चार, तीन दो एक। तो दस पे जो है वो लॉ कॉलेज बिहार शरीफ नालंदा में है जो के के लॉ कॉलेज है नालंदा में बिहार शरीफ के नालंदा में लॉ कॉलेज ये बहुत अच्छी लॉ कॉलेज है लेकिन इसकी जो ग्रेडिंग है वो दस नंबर पे आ रही है पता नहीं शायद हो सकता है यहाँ पे कुछ पढ़ाई वढ़ाई का कोई दिक्कत हो जिसकी वजह से इसे ग्रेडिंग जो है

उसके बाद देखते हैं सातवें नंबर पर मुंशी सिंह लॉ कॉलेज मोतिहारी इसे मोतिहारी लॉ कॉलेज से भी जानते हैं और एम एस लॉ कॉलेज मोतिहारी नाम से भी ये है जानते हैं ये बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है मत, मत बहुत अच्छी कॉलेज है और ये अंग्रेजों के जमाने की इसकी बिल्डिंग बनी हुई है अंदर से भी अच्छा है और सच में इसकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती है हमारे कुछ दोस्त वहाँ पे पढ़ते हैं बताते हैं बहुत अच्छा है उसके बाद सत में छठे नंबर पे आते हैं श्री कृष्णा जुबली लॉ कॉलेज मुजफ्फरपुर जो इसके जो लॉ कॉलेज मुजफ्फरपुर के नाम से जानते हैं ये भी बहुत अच्छी कॉलेज है इसके बारे में भी आप देख सकते हैं ये मतलब नॉर्थ इंडिया में सबसे अच्छी कॉलेज इसे मानी जाती है उसके बाद हम देखते हैं इस वक्त का एडमिशन भी कल आठ तारीख को ही इंट्रेंस टेस्ट हुआ था और ये एक हफ्ते के अंदर ये रिजल्ट भी आ जाएंगे और टेस्ट भी एडमिशन लेना भी स्टार्ट हो जाएगी पांचवें नंबर पे आते हैं फैकल्टी ऑफ लॉ कॉलेज ऑफ कॉमर्स पटना कॉलेज ऑफ कॉमर्स पटना आपको पता ही पटना यूनिवर्सिटी से एफिलियटेड है यहाँ पे भी लॉ की पढ़ाई होती है उसके बाद चौथे नंबर पर पटना लॉ कॉलेज पटना जिसका आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब फॉर्म आए कब एडमिशन हो कब इंट्रेंस हो तो इसके भी बहुत सारे लोग चाहने वाले हैं उसका तीसरे नंबर पर आते हैं डिपार्टमेंट ऑफ लॉ एंड गवर्नेंस सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार साउथ बिहार की सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसका डिपार्टमेंट ऑफ लॉ एंड गवर्नेंस जो है वो इसकी बहुत अच्छी है और इसका एडमिशन जो है वो सी के अकॉर्डिंग होता है CUT का आप एग्जाम देंगे तो ही जाके यहाँ पे सिलेक्शन होगा उसके बाद अमीठी लॉ स्कूल पटना बेसिकली ये तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जो पटना में है अमीठी लॉ स्कूल अमीठी यूनिवर्सिटी के अंदर ही अमीठ फैकल्टी है अमेठी लॉ स्कूल उसके बाद फर्स्ट नंबर पे आता है चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पटना जिसका एडमिशन क्लैट के थ्रू होता है कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट और ये एन एल यू है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है तो ये सच में जिस स्टेट में है उसकी मान्यता तो वैसे भी ज्यादा होगी क्योंकि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है इसकी फी भी बहुत ज्यादा होती है तो, तो वो आप देख सकते हो क्लाइट का अगर कोई तैयारी करना चाह रहे हैं और इस साल से शायद कि इसमें थ्री ईयर एल एल बी भी आ जाए वैसे से फाइव ईयर एल एल बी है थ्री ईयर एल एल बी की बीस या तीस सीट मुझे लगता है यहाँ पे आ जाएगी तो दोस्तों देख लीजिए यही थे दसवें जो थे वो बिहार के टॉप अच्छे लॉ कॉलेज में माने जाते हैं वो रैंक थोड़ा आगे पीछे वो एजुकेशन वगैरह के वजह से क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के वजह से ऊपर नीचे होता रहता है लेकिन ये दसवें जो है सबसे अच्छे लॉ कॉलेज है तो दोस्तों आप कुछ पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना फिर मिलते हैं ऐसी किसी दूसरे वीडियो में जब तक के लिए बाय बाय